अ वेरी वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीम इंस्टा पर। हु ऑल आर ज्वाइनिंग, प्लीज लीव अ मैसेज। अभिषेक, विद्यासागर, गर्विता, गणेश, अनुज, आरती, सत्यम, अविनाश, सबका बहुत बहुत स्वागत। अ वार्म वेलकम, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग। शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। ऑल द इम्पॉर्टेंट न्यूज, बहुत सारी न्यूज हैं आज, क्वेश्चन हैं, सो लेट्स नॉट वेट वेस्ट द टाइम। So all those who are preparing for the UPSC exams, जो भी current affairs को पढ़ना चाहते हैं with detailed analysis और शोर शराबे के बाहर actual की जो news हैं उनको हम शुरुआत करते हैं। Okay, आवाज बहुत slow आ रही है। जय हिंद आरती, अभिषेक, वत्स, सिद्धांत, मेरी आवाज clear आ रही है? Am I loud and clear? Thank you अभिषेक। Is my voice and video okay? Please do let me know. Audible and visible. ठीक है, fine enough. फिर आगे चलते हैं. So this is brief introduction about me. I am Sandeep Bansal, ex assistant commandant BSF. Welcome you on the platform of Team Nishtha. And इकोनॉमी आपका कंप्लीट हो चुका है। दोबारा से हमने इंडियन ज्योग्राफी शुरू कर लिया है। दोज हु वांट टू स्टडी द ज्योग्राफी विद डिटेल्ड थिंग्स उनका स्वागत है। हिस्ट्री आपका मेडिएवल हिस्ट्री शुरू हो गया है। एंशिएंट वी हैव कंप्लीटेड और मेडिएवल हिस्ट्री कंप्लीट करने के बाद जो पॉलिटिकल लेफ्ट ओवर पोर्शन है वो डिस्कस करेंगे। मैथ्स और रीजनिंग की क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं, इंग्लिश की क्लासेस चल रही है। ठीक है जी, चलिए। वेरी वेरी गुड इवनिंग, नो थाइसेल्फ, विशाखा, उमा। पहली न्यूज इंटरनेशनल अफेयर से शुरुआत करते हैं। यूएस और यूरोप ने अर्ज किया है ईरान को कि वो नेगोशिएट करे टू रिवाइव 2015 न्यूक्लियर डील। देखिए 2015 में तत्कालीन राष्ट्रपति थे बराक ओबामा, उन्होंने ईरान के साथ एक डील साइन की थी जिसको कि JCOPA भी कहते हैं, न्यूक्लियर डील ईरान के साथ, ताकि जो ईरान है वो न्यूक्लियर एनर्जी का पीसफुल यूज करे और अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को IAEA की देखरेख में रखेगा। बट डोनाल्ड ट्रंप आते हैं और इस डील से वो विड्रॉ कर लेते हैं और बहुत सारे सैंक्शंस लगाए जाते हैं ईरान पर। अब ईरान की इकोनॉमी उस समय पर काफी ज्यादा कह लीजिए बुरे हालात से गुजरती है। चाइना आता है ईरान की हेल्प के लिए। अब कहीं ना कहीं रशिया और चाइना का जो गठजोड़, जो हमने कल भी पढ़ा कि ये एवरलास्टिंग रहने वाला है, किसी भी तरीके से ये खराब नहीं होगा, मतलब इन्होंने कहा है कि हमारी ऑल वेदर फ्रेंडशिप रहेगी, तो इस कह लीजिए चाइना और रशिया में ईरान भी ऐड हो रहा है। अभी हमने रिसेंटली देखा कि ईरान द्वारा भेजे गए जो ड्रोन्स थे वो काफी ज्यादा नुकसान कर रहे हैं यूक्रेन में। अब कहीं ना कहीं इस चीज को, इस ट्रिनिटी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है यूरोप और यूएस के द्वारा। अब यूएस और यूरोप चाहता है कि किस तरीके से, उन्होंने कहा, अर्ज किया ईरान को, मतलब उनको ये कहा गया कि आप जो है दोबारा से 2015 न्यूक्लियर डील को रिवाइव करें और आप क्या चाहते हैं, आपके पास दो रास्ते हैं। एक तरफ एक रास्ता आइसोलेशन का है, प्रेशर का है, सैंक्शंस का है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज का है, और दूसरी तरफ ग्रोथ का है, अपॉर्चुनिटी का है, विदाउट सैंक्शंस का है, तो कौन सा चुनना चाहते हैं? तो ऑब्वियसली अगर आप न्यूक्लियर डील साइन करते हैं, रिवाइव करते हैं, तो हम आपको बहुत सारे, मतलब जो आप पे सैंक्शंस लगाए गए हैं वो हटा लेंगे। अब ईरान हमेशा से ये कहता है कि नहीं जी, मैं न्यूक्लियर एनर्जी का सिर्फ पीसफुल पर्पसेस के लिए यूज कर रहा हूं, जो कि यूएस डिनाई करता आया है। और ईरान की जो एक फॉरेन पॉलिसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहा है कि ये इसराइल के अगेंस्ट में, इसराइल को खत्म करना चाहता है। ये कुल मिला के सारी कहानी है, ये मैंने पहले भी कई बार डिस्कस की है। तो यहां पर यूएस और यूरोप का जो एक मोटिव ये कह सकते हैं कि ये रशिया और चाइना के साथ ना मिले, एक लुभावन है कि इस ट्रिनिटी को तोड़ा जाए, इस गठजोड़ को तोड़ा जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज है, ट्यूनिशियन प्रेसिडेंट कायस सईद
एक्सटेंड स्टेट ऑफ इमरजेंसी अंटिल दिसंबर 2023। सो ट्यूनिशिया के प्रेसिडेंट काय सईद ने एक डिक्री साइन की, इशू की, स्टेट ऑफ इमरजेंसी को एक्सटेंड कर दिया है। नवंबर 2015 में ये इमरजेंसी लगी थी, जबकि जो प्रेसिडेंट हाउस के पैलेस गार्ड्स होते हैं, कह लीजिए गार्ड फोर्सेस हैं, जैसे भारत में एसपीजी कह सकते हैं आप, तो वहां पर अटैक हुआ जिसमें 12 कह लीजिए सिक्योरिटी पर्सनल की मृत्यु हुई। उसके अलावा फॉरेन टूरिस्ट पर अटैक किया गया। तो इन सब के चलते जो है तब से वहां पर इमरजेंसी चल रही है और इसको एक्सटेंड किया गया है अभी के राष्ट्र जो ट्यूनिशिया के राष्ट्रपति है। अब ओपोजिशन का ये कहना है कि ये सब का सब जो है आप अपनी पावर को कंसोलिडेट करने के लिए कर रहे हैं, ठीक है जी, आप यस ठीक है, आप अपनी पावर को कंसोलिडेट के लिए कर रहे हैं। तो ट्यूनिशिया कहां पर है? ट्यूनिशिया आपका नॉर्थ अफ्रीका में, यहां पर देख सकते हैं एक नेशन है जिसकी कैपिटल है ट्यूनिस। तो मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट आपको यहां पर देखने को मिलता है, ठीक है जी, मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट, सो बीच में भूमध्य सागर या मेडिटेरेनियन सी भी है। दिस इज अनदर मैप ऑफ ट्यूनिशिया, सो देयर इज द कैपिटल ऑफ ट्यूनिस इन द मेडिटेरेनियन सी, वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज अगर आप ट्रेडिशनली देखेंगे तो आज ही हमने हिस्ट्री में पढ़ा है बाइजेंटीन एम्पायर, ठीक है, बाइजेंटीन एम्पायर का हिस्सा रहा है, एक समय पर ऑटोमन एम्पायर का भी हिस्सा रहा है। सो यहाँ पर जो यूरोपीय ताकतें हैं उनका काफी ज्यादा रोल रहा है मीडिएवल टाइम्स में, हाँ जी, 2015 से अभी तक, बिल्कुल। नेक्स्ट है इक्वेटोरियल गिनी अपॉइंट्स मैनुला रोका बोते एज द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर, ये इससे पहले एजुकेशन मिनिस्टर थी, अब पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। तो यहाँ की राष्ट्रपति जो हैं, सॉरी राष्ट्रपति जो हैं टियोड्रो अबेंग योगवेना मैबसोगा, जो कि 1979 से राष्ट्रपति हैं। सो कितना टाइम हो गया, कैलकुलेट करो, अराउंड 35 ईयर्स, ठीक है, 34-35 ईयर्स, सो दैट हैज बीन द पीरियड। अभी रिसेंटली उन्होंने इस जो मिसेज बोते हैं, ठीक है, उनको मैनुला रोका उनको प्रधानमंत्री बनाया। अब मेरे को ये कमेंट सेक्शन बॉक्स में ये लिखो कि इक्वेटोरियल गिनी कहां पर है, कौन से कॉन्टिनेंट में है, और क्या यहां से इक्वेटर गुजरता है या नहीं, क्या यहां से इक्वेटर गुजरता है या नहीं। मैंने 34 बोला, 44 ओके सॉरी। सो ये आपका वेस्ट अफ्रीका में है, छोटा सा देश है, ये देख लीजिए, ये देखिए, ये एक छोटा सा आपका यहाँ पर देश है, ये आइलैंड भी है यहाँ पर एक, ठीक है, तो इक्वेटोरियल गिनी, बट यहाँ से इक्वेटर क्रॉस नहीं करता है, ठीक है, सो दिस इज इंटरेस्टिंग पार्ट। सो गल्फ ऑफ गिनी में, तो यहाँ पर ये एक मैप देख सकते हैं, सो दिस इज द इक्वेटोरियल गिनी एंड दिस इज द आइलैंड ऑल्सो, नहीं क्रॉस नहीं करता है। एक बार जल्दी से सेशन को शेयर भी कर लो, सारी की सारी बहुत स्पेसिफिक न्यूज है, ठीक है, और नेक्स्ट न्यूज भी बहुत इंटरेस्टिंग है। ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि हम ब्रिटिश मोनार्क को अपने बैंक नोट से खत्म कर देंगे। देखिए ऑस्ट्रेलिया बहुत समय से बातचीत कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री जो अल्बानी हैं उन्होंने भी ये बात कही थी कि हम अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की से एक रिपब्लिक की तरफ जाना चाहते हैं। मेरे को कमेंट सेक्शन बॉक्स में ये भी बताइए कि रिसेंटली एक देश है सेंट्रल अमेरिका में जो कि रिपब्लिक बना है, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की था, वो एक रिपब्लिक बना है देश, वैसे ही ऑस्ट्रेलिया ने अब धीरे धीरे जो एक आखिरी बची कह लीजिए एक साइन था ब्रिटिश मोनार्की का, उसको भी खत्म करने जा रहे हैं। और ये कहा गया है कि जो वहां का इंडिजीनियस कल्चर है, जो इंडिजीनियस ऑस्ट्रेलियंस हैं, बारबाडोस, यस बारबाडोस, वेरी गुड, ठीक है, सबसे पहले किसने आंसर दिया, बारबाडोस है, विद्यासागर ने सबसे पहले आंसर दिया, विद्यासागर एंड शुभम, वेरी गुड, हर्ष आल्सो। सो यहां पर अब आखिरी जो निशानी थी ब्रिटिश मोनार्की की वो भी खत्म होने जा रही है, और जो नया डिजाइन होगा वो जो फर्स्ट ऑस्ट्रेलियंस हैं, जो इंडिजीनियस हैं, जिनको अबोरिजिनल्स भी कहा जाता है, उनके कल्चर से रिलेटेड जो है आपको नोट्स पर साइन देखने को मिलेगा। किंग जो अभी बने हैं, किंग चार्ल्स, उनको तो उनको मतलब उन्होंने उनकी फोटो लगाने से मना ही कर दिया है कि उनकी फोटो नहीं रहेगी। अब इट इज वेरी एविडेंट के फ्यूचर में आपको
ऑस्ट्रेलिया ये एक फाइनल स्टेप लेता हुआ नजर आएगा। अब ये नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया में 1999 में भी एक रेफरेंडम हुआ था जिसमें कि ये रेफरेंडम में मतलब लोगों से पूछा गया था कि हमें एक ब्रिट कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की से रिपब्लिक की तरफ जाना चाहिए, बट वो रेफरेंडम जो है ऑस्ट्रेलिया में नैरोली जो है पास हो गया था, मतलब इन द फेवर ऑफ मोनार्कियल सिस्टम, इन द फेवर ऑफ ब्रिटिश मोनार्की, इन द फेवर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। तो ये इस तरीके का रेफरेंडम आप बहुत जल्दी देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में। वेरी वेरी गुड इवनिंग आरती। नेक्स्ट है, इंडिया हैज बीन वन ऑफ द मालदीव्स मोस्ट ट्रस्टेड एंड वैल्यूड फ्रेंड्स। मालदीव्स के राष्ट्रपति ने ये बात कही। मालदीव्स के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलह, उन्होंने कहा कि भारत के साथ उनकी पार्टनरशिप म्यूचुअल ट्रस्ट पे है और रिन्यूड इम्पिटस ड्यूरिंग द लास्ट फोर ईयर्स। इसमें खासकर हम देखेंगे तो वैक्सीन जो पॉलिसी, वैक्सीन मित्र की पॉलिसी जो भारत ने अपनाई, जिसमें कि COVID-19 की वैक्सीन दी गई, उसके अलावा बहुत सारी इन्वेस्टमेंट की जा रही है मालदीव्स में। देखिए, अब आप पूछेंगे कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है क्या? जी हाँ, ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ इसलिए हो जाती है क्योंकि मालदीव्स जो है इंडियन ओशन में एक बहुत स्ट्रेटजिक लोकेशन पर लोकेटेड है। और रिसेंटली ये वाली न्यूज़, मतलब लगभग एक डेढ़ साल हो गया मैंने आपको ये न्यूज़ पढ़ाई थी कि मालदीव्स के एक्स प्रेजिडेंट अब्दुल्ला यमीन ने एक कैंपेन छेड़ा था, ठीक है, इस तरीके की लाल रंग की टी शर्ट्स पहनकर, जिसमें बड़ा बड़ा लिखा हुआ था इंडिया आउट कैंपेन, ठीक है, और इस चीज का विरोध किया था भारत की सरकार ने और कहा था कि ये जो है, और वहां के राष्ट्रपति ने भी, वहां की सरकार ने भी ये कहा था कि ये सीधा सीधा कह लीजिए एक देश के साथ हमारे जो मैत्रीपूर्ण संबंध है, फ्रेंडली रिलेशन है, उनको प्रभावित करता है। और जो अब्दुल्ला यमीन है वो प्रो चाइनीज माने जाते हैं। चाइना, जब इनके काल में चाइना की बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट मालदीव्स में देखी गई, तो डेफिनेटली ये एक स्ट्रेटजिक मूव भी है। और अभी के जो राष्ट्रपति हैं इब्राहिम मोहम्मद सालेह, उनका भारत की तरफ होना ये भारत के स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट को एंश्योर करता है इंडियन ओशन में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। घर पे डिस्कशन कर रहे थे इंडिया आउट, ओके चलिए, इन यह हो जाएगा वहां के आधे। हाँ, वहां देखो टूरिज्म के लिए ओके, बस उनका ये कहना है कि जी मिलिट्री की जो प्रेजेंस है ये कहीं ना कहीं मालदीव्स को मतलब एक तरीके से कैप्चर करना चाह रहे हैं। तो दैट वाज, देखो आपको ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज को आप उस वहां के लोगों को अगर बताओगे तो उसके पीछे लॉजिक देने की कोशिश कर रहे हो, उसको जस्टिफाई करने की उन्होंने इस तरीके से कोशिश करी। नेक्स्ट न्यूज है, चाइनीज स्पाई बैलून स्पॉटेड ओवर द वेस्टर्न यूएस, सेज पेंटागन। यूएस की डिफेंस फोर्सेस ने कहा कि हमने वेस्टर्न यूएस में चाइनीज सर्वेलियंस बैलून को देखा यूएस एयर स्पेस में, जो कि बहुत सेंसिटिव लोकेशंस के ऊपर फ्लाई कर रहा था। इन्होंने कहा कि हमने उसको डैमेज नहीं किया क्योंकि इससे वहां के लोगों को नुकसान हो सकता था। So one of the planes the balloon was spotted was Montana, which is home to one of the nation's three nuclear missile silo fields, जहाँ पर उनके मतलब nuclear missiles रखे गई हैं, वहाँ पर ये fly कर रहा था। और यहाँ पर recently हमने देखा कि US और China के relations को सुधारने की बात की जा रही है, पर वो actions में नहीं दिख रहा। आज दो news हम ऐसी और पढ़ेंगे जिसमें कि आपको US और China की rivalry देखने को मिलेगी। US opens embassy in Solomon Islands to counter China. ठीक है जी, अब ये बताओ Solomon Islands कहाँ पर है? बहुत important, मतलब बहुत ज़्यादा important, क्योंकि Solomon Islands is like अपुनिच भगवान type वाली feeling, ठीक है? So US opened an embassy in the Solomon Islands on Feb 2 in its latest move to counter China's push into the Pacific. The embassy in the capital Honiara is starting small with charged affair. अब देखो यूएस की यहां पर एम्बेसी हुआ करती थी किसी समय पर 1993 में एज अ पार्ट ऑफ, अब 1991 में जब इन्होंने यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन करवा दिया तो अब इनको लगा ठीक है, अब मतलब धीरे धीरे हम अपना खर्चा कम करते हैं, अब हमें सोलोमन आइलैंड्स की क्या जरूरत है, अब हम एक सिंगल पावर हैं, ठीक है, पैसिफिक ओशन में है, ठीक है, इंडोनेशिया के पास में, नॉट एग्जैक्टली इंडोनेशिया के पास बट यस, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है, इंडोनेशिया, पापुआ न्यू गिनी, ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट में आप कह सकते हैं, ठीक है, यस, नॉर्थ ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो
तो यहां पर इन्होंने उस समय पर क्या सोचा कि 1991 में यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो चुका है, यूनिपोलर वर्ल्ड है, यूएस वर्ल्ड पावर है, अब धीरे धीरे चाइना जिस तरीके से इमर्ज कर रहा है और काउंटर कर रहा है यूएसए को, और रिसेंटली हमने एक पैक्ट, सिक्योरिटी पैक्ट साइन होते हुए देखा सोलोमन आइलैंड्स और चाइना के बीच में। सोलोमन आइलैंड्स के रिलेशंस बहुत अच्छे रहे हैं ताइवान के साथ, बट उन्होंने कहा कि ताइवान के साथ हम रिलेशन नहीं मेंटेन करेंगे, हम चाइना के साथ करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा 2019 में। और उसके बाद जो है यूएस के रडार पर है सोलोमन आइलैंड्स। अब देखिए, ठीक है, इसमें लिखा ना हाउ डेयर यू, ठीक है, अंकल सैम आ गए हैं और चाइना सोलोमन आइलैंड सिक्योरिटी डील के बाद ये बैलून भेज के तो चाइना की, हाँ जी हाँ जी बिल्कुल हुई जी। तो यहां पर कुल मिला के अब यूएस क्या कह रहा है, यूएस ये कह रहा है कि जी देखिए हम आपके टूरिज्म प्रोजेक्ट में हेल्प करेंगे, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करेंगे, ठीक है, आप यहाँ पर एम्बेसी खोलिए कोई बात नहीं, हम आपके इन्वेस्टमेंट लेकर आएंगे आपके लिए। तो फिजी सोलोमन आइलैंड जो है, सोलोमन आइलैंड के जो कह लीजिए लीडर हैं, वो फाइनली एग्री कर गए हैं और ये कहा है कि हम यहाँ पर यूएस के एम्बेसी को ओपन अप करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं रिसेंटली फिजी के साथ भी उन्होंने अपने रिलेशंस को इम्प्रूव किया है। वनौती भी पढ़ा था गेटिंग सबमर्ज्ड, यस वनौतू भी पढ़ा था, ये कहा था जिसमें हमने कि अगर टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया बाय 2100 डिग्री सेल्सियस तो पूरा का पूरा आइलैंड चेन ही डूब जाएगी पानी में, ठीक है, सी लेवल राइज उतना हो जाएगा। तो सोलोमन आइलैंड्स में छोटा सा ग्रुप ऑफ आइलैंड है, यूएस कह रहा मैं वैसे खोलूंगा, चाइना कह रहा मैं खोलूंगा, मतलब समझ रहे हो, ये अलग लेवल पे बिल्कुल फीलिंग में है कि हम ही हैं सब, ठीक है, ये हैं। चलिए आगे चलते हैं, फिलीपींस एग्रीज टू प्रोवाइड यूएस विद एक्सपेंडेड एक्सेस टू मिलिट्री बेसिस, अगेन सेम चाइना एंड यूएस का कह लीजिए कंफ्लिक्ट। सो टू काउंटर चाइनाज एग्रेसिव टेरिटोरियल पोस्चरिंग इन द साउथ चाइना सी द फिलीपींस हैज एग्रीड टू प्रोवाइड यूएस विद एक्सपेंडेड एक्सेस टू मिलिट्री बेसिस। तो अल्टीमेटली यहां पर यूएस को एक स्ट्रेटेजिक फुटिंग मिलेगी साउथ ईस्टर्न एज ऑफ साउथ चाइना सी में, और कहीं ना कहीं टू कंटेन चाइना एंड टू हेल्प द ताइवान इन केस ऑफ कंफ्लिक्ट विद चाइना। अगर चाइना और ताइवान का कंफ्लिक्ट होता है तो उस केस में यूएस आगे आ सकता है, और यूएस अपना बेस मजबूत कर रहा है कहां पर, पैसिफिक ओशन में, या कहें तो वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में। यूएस एंड दोनों की एम्बेसी साथ साथ नहीं हो सकती, हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, ये किसने कहा, ठीक है जी, वर्ल्ड में कुछ भी हो यूएस जरूर आता है, हाँ चाइना भी जरूर आता है आजकल। नेक्स्ट है 4 इंडियन अमेरिकन लॉ मेकर्स अपॉइंटेड मेंबर्स ऑफ की यूएस हाउस कमिटीज, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है मतलब एज सच एग्जाम के लिए, बट लाइक इंडियन अमेरिकन के बारे में लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा भी गया था, ठीक है। सो प्रमिला जयपाल, अमी बीरा, राजा कृष्णमूर्ति, रो खन्ना, ठीक है, रो खन्ना हैज बीन वेरी इंपॉर्टेंट, खासकर अगर आप देखेंगे लास्ट ईयर हमने पढ़ा था कि इन्होंने कई सारे प्रो इंडिया बिल्स लेकर आए ये यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में, और या कह लीजिए यूएस कांग्रेस में। सो हैज बीन अपॉइंटेड मेंबर्स ऑफ 3 की हाउस पैनल्स रिफ्लेक्टिंग इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रोइंग द इन्फ्लुएंस ऑफ कम्युनिटी इन द यूएस पॉलिटिक्स, ठीक है, तो यूएस पॉलिटिक्स में जो इन्फ्लुएंस है वो बढ़ता जा रहा है इंडियन अमेरिकन्स का। नेक्स्ट है चेक रिपब्लिक इलेक्ट वोस टू स्ट्रेंथन टाइज विद ताइवान, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। देखिए चाइना ने मतलब कह लीजिए क्रिटिसाइज किया है चेक रिपब्लिक को, क्योंकि चेक रिपब्लिक के जो नए राष्ट्रपति चुने गए हैं, अभी शपथ नहीं ली है पर इन्होंने मतलब जब ये चुने गए, ठीक है, ये कोई मॉडल नहीं है, ये राष्ट्रपति है, ठीक है, पहली बात तो ओके तो इन्होंने फोन कर दिया किनको, ताइवान की राष्ट्रपति को, ताइवान की राष्ट्रपति को फोन किया कि मैं आपसे मिलने का भी इच्छुक हूँ, मैं मिलना चाहता हूँ आपसे, ठीक है जी, हाँ चाइना प्लस ताइवान इज इक्वल टू यस, तो यहाँ पर इनसे मिलने के इच्छुक हैं, और ये जो है आपका इस चीज को बीजिंग ने या कह लीजिए चाइना ने बहुत कड़े शब्दों में इसका विरोध किया है, और सीधा सीधा ऑब्वियसली चेतावनी भी दे दी है चेक रिपब्लिक को, ठीक है जी, ओके चलिए क्या बात है, यस सो ही इज द प्रेसिडेंट इलेक्ट, ठीक।
ओके, इंडिया वेलकम्स कॉन्गो टू इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो कि 123 देशों का अलायंस है, 123 सिग्नेटरी कंट्रीज, मोस्टली बीइंग द सनशाइन कंट्रीज जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन के बीच में आती हैं, मूलतः कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में। यहां पर सनशाइन बहुत अच्छी है, जिसको कि मोदी जी ने क्या कहा, सूर्य पुत्र हमारे। चलिए, सो अलायंस इज अ ट्रीटी बेस्ड इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, और जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में नहीं भी हैं, उन वो भी इसका पार्ट बन सकते हैं। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां पर कॉन्गो कहां पर है कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख दो, ठीक है जी। ओके, हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है, बिल्कुल ठीक। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है, श्रीलंका आइडेंटिफाई साइट्स लिंक टू रामायण टू प्रमोट टूरिज्म फ्रॉम इंडिया। श्रीलंका में जो भारत के टूरिस्ट जाते हैं, वो सबसे ज्यादा टूरिस्ट अगर जाते हैं किसी भी देश से, वो भारत से ही जाते हैं। श्रीलंका में टोटल टूरिस्ट जो पिछले साल गए हैं वो 7.2 लाख गए हैं, 7.2 लाख, उसमें 1.23 लाख, मतलब 1.25 लाख टूरिस्ट जो है भारतीय है। और अब यहां पर जो मोस्ट ऑफ द टूरिस्ट जाते हैं वो कह लीजिए जो है ना, बीच या सीनिक ब्यूटी के लिए, लेजर टूरिज्म के लिए, ठीक है। तो टूरिज्म को भी हम कई पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, तो ये इट इज लाइक ऑफ अ लेजर टूरिज्म। बट यहां पर श्रीलंका रिलीजियस टूरिज्म को भी प्रमोट करना चाहता है, ठीक है। तो अब यहां पर इन्होंने कहा है कि हम 50 ऐसी साइट्स को आइडेंटिफाई करेंगे, ये आप देख भी सकते हैं, 50 ऐसी साइट्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा जो कि रामायण से रिलेटेड है, और इस तरीके से डेफिनेटली श्रीलंका का जो फॉरेक्स रिजर्व भी बढ़ेगा, टूरिज्म भी बढ़ेगा, ठीक है जी। अच्छा हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, कौन से कांगो ने ज्वाइन किया है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो ने ज्वाइन किया है, रिपब्लिक ऑफ कांगो ने, क्योंकि दो हैं, एक DRC है, एक ROC है, गैबन का नेबर है। आगे चलते हैं, नेशनल न्यूज। इंडिया टू बी द थीम कंट्री एट 2025 मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर। सो इंडिया को इनवाइट किया गया है एंड इंडिया विल बी इनवाइटेड एज अ फोकल कंट्री एट द मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर इन 2025। एम्बेसडर ऑफ स्पेन टू इंडिया, उन्होंने इसके बारे में जानकारी दी। स्पेन जो है थीम कंट्री था 46th इंटरनेशनल कोलकाता बेस्ड फेयर में, तो एक तरह से रेसिप्रोकेट किया है स्पेन ने, ठीक है। स्पेन की कैपिटल क्या है, ठीक है जी, स्पेन वही देश है जहां पर प्रोफेसर पाए जाते हैं बिला चाओ करते हुए। ओके, हाँ जी, बिला चाओ। इंडिया इज द थीम कंट्री एट द मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर एंड एज अ पार्ट ऑफ द कल्चरल एक्सचेंज बिटवीन टू कंट्रीज, स्पेन हैज डोनेटेड like books to 5 universities in Bengal, जहां पर Spanish language भी सिखाई जाती है, ठीक है जी। Madrid is the capital, और दो region ऐसे हैं Spain में जो कि independence चाहते हैं या separatist movement चल रही है जहां पर, वो दो regions के नाम भी लिखो comment section box में, बहुत important है, ठीक है। बहुत समय से वहां पर demand चल रही है, ठीक है। दो region कौन कौन से हैं, ये बीच बीच में मैं जो question पूछता रहता हूँ ना, ये कई बच्चे पूछते हैं सर जनरल जी के कब होगी, तो ये जनरल जी के बीच में हो रही है कंप्लीट, ठीक है। तो न्यूज में हम सारी चीजें कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, बैकग्राउंड भी समझ रहे हैं न्यूज का, ठीक है, न्यूज से रिलेटेड, उस न्यूज से रिलेटेड कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस भी कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर इतनी सारी न्यूज आपको मिल रही है, इंफॉर्मेशन मिल रही है, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट दिस सेशन शुड बी शेयर्ड विद मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, ठीक है। जिस सेशन में सब लोग ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं उसको आप लोगों ने खूब शेयर किया, ठीक है, उसके व्यूज एकदम बढ़े, ठीक है, मतलब सबने शेयर किया, पर ये वाला शेयर नहीं हो रहा, एनीवेज, ठीक है जी। सो मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर 1993 में, इट सीज्ड फॉर फ्यू इयर्स बिकॉज ऑफ द स्पेनिश सिविल वॉर। कैटेलोनिया एंड बास्क, बिल्कुल ठीक, किसने दिया आंसर, मंथन एंड शशांक पांडे, वेरी गुड। सो इट इज द कैटेलोनिया एंड द बास्क, ठीक है जी। Okay, so this is international in scope. It features many books from Spanish-speaking countries. The event promotes the literature of the guest country, which speak another language. ठीक है, 2018 में the guest country was Romania, और अभी 2025 में भारत होगा guest country.
इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन विल कम बाय डिसम्बर 2023, इसी साल के आखिर तक जो है पहली हाइड्रोजन ट्रेन आ जाएगी ऑन हेरिटेज रूट्स, ऐसा कहा रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने, उन्होंने इस बारे में जानकारी दी। अगेन फोकस देखो, इससे आपको आपके एग्जाम का फोकस भी पता लगता है कि इन्वायरमेंट इकोलॉजी से आपके क्वेश्चन आने हैं, ठीक है, और इन्वायरमेंट इकोलॉजी से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो करंट अफेयर बेस्ड ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर फोकस है अगेन जो 2030 के पंचामृत के हमारे टारगेट्स हैं उनको अचीव किया जाए। सो ग्रीन रेवोल्यूशन इंट्रोड्यूसिंग हाइड्रोजन इलेक्ट्रिक ट्रेन ऑन द 8 हेरिटेज रूट्स इन द कंट्री बाय 2023। सो दीज हाइड्रोजन ट्रेन विल इंक्लूड द मॉडिफाइड वर्जन ऑफ स्टीम इंजन दैट विल बी बैक ऑन ट्रैक इक्विप्ड विद विंटेज सायरन्स एंड ग्रीन स्टीम वेपर्स। ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करना, एक्चुअली ये आइडिया जो भारत ने लिया है ये लिया है जर्मनी से, चाइना से, और भारत भी चाहता है कि हाइड्रोजन पावर ट्रेन्स को चलाया जाए, ठीक है। तो ये लगभग 8 ऐसे रूट्स आइडेंटिफाई किए गए हैं, तो ये रूट्स देख लीजिए। ये रूट्स हैं कालका शिमला, नीलगिरी माउंटेन रेलवे, दार्जिलिंग, कांगड़ा, बिलीमोरा, वागाई, मऊ, पतलपानी, मारवाड़, देवगढ़, ठीक है, और माथेरन हिल रेलवे इन महाराष्ट्र, ठीक है। तो डेवलपमेंट क्यों की जा रही है, डेवलप्ड बाय द फ्यू कंट्रीज लाइक जर्मनी, फ्रांस एंड चाइना, नाउ इंडिया विल ऑल्सो बी पार्ट ऑफ दिस, ये बात कही गई। ओके, नेक्स्ट है मध्य प्रदेश सरकार ने भोपाल में, भोपाल डिस्ट्रिक्ट में एक गांव है जिसका नाम है इस्लाम नगर, उसका नाम चेंज करके जगदीशपुर कर दिया है विद इमीडिएट इफेक्ट, ठीक है जी। सो इन द प्रेस नोट द स्टेट गवर्नमेंट सेड डिसीजन कन्वे कर दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट को, इट होम मिनिस्ट्री हैड इशूड द रीनेमिंग ऑन सेप्टेम्बर 15, 2022। तो इमीडिएट इफेक्ट से इसका नाम बदलकर जगदीशपुर हो गया है। एक्चुअली इसके पीछे कहानी ये है कि इस्लाम नगर जो विलेज है ये लगभग 12 किलोमीटर दूर है भोपाल से, और अपने फोर्ट्स के लिए, अपने किलों के लिए काफ़ी फेमस है, और अकॉर्डिंग टू सर्टन अकाउंट्स ये इस्लाम नगर जो शब्द है इससे मतलब 308 साल पहले, ठीक है, ये जगदीशपुर के नाम से था। तो यहाँ पर दोस्त मोहम्मद खान ने अपनी कैपिटल एस्टेब्लिश की 10 किलोमीटर फ्रॉम द मॉडर्न भोपाल एट जगदीशपुर एंड नेम्ड इट एज इस्लाम नगर, और यहाँ पर एक छोटा किला बनवाया गया और कुछ कह लीजिए पैलेसेस बनवाए गए इस्लाम नगर में, एंड उसके बाद इस फोर्ट को रिस्टोर भी किया गया है रिसेंटली, और दिस फोर्ट वॉज नेम्ड फतेहगढ़। देखो फतेह, फतेह मतलब जीतना और गढ़ मतलब फोर्ट। लेटर ऑन ही शिफ्टेड हिज कैपिटल टू द करंट सिटी ऑफ भोपाल, ठीक है। प्रीवियसली 2021 में मध्य प्रदेश की सरकार ने होशंगाबाद का नाम बदलकर नर्मदापुरम रख दिया है, और नसरुल्लागंज का नाम बदलकर बैरुंदा रखा गया है। तो ये थोड़ा नाम चेंज वाले पर भी आपकी अलग से एक डिबेट बनती है, ठीक है, डिस्कशन ग्रुप में यू कैन डिस्कस और डिबेट अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग ऑल्सो, वेदर वी शुड गो फॉर दिस रीनेमिंग ऑफ प्लेसेज और नॉट, बट अदरवाइज दिस इज अ फैक्ट यू शुड नो अबाउट इट, ठीक है। चलिए, इंडियन रेलवे टू सेट अप कन्वीनियंस स्टोर्स एट 2000 रेलवे स्टेशन। सो इंडियन रेलवे कन्वीनियंस स्टोर्स डेवलप करेगा 2000 रेलवे स्टेशन पर, वेयर आइटम्स ऑफ बेसिक नीड्स विल बी अवेलेबल। सो रेलवे मिनिस्टर इन्होंने बताया कि ये स्टोर्स में पैसेंजर्स कैन परचेज आइटम्स ऑफ डेली यूज लाइक बाथिंग सोप, टूथपेस्ट, टॉवल्स, जो बेसिकली आपको ट्रेवलिंग के टाइम पर जरूरत होती है, तो उनकी अवेलेबिलिटी होगी ताकि आपको भटकना ना पड़े, इधर उधर ना जाना पड़े। और दी स्टोर्स विल रिमेन ओपन ऑल डेज इन अ वीक फॉर 24 आवर्स। और पैसेंजर सेफ्टी के लिए मिनिस्टर हैज अनाउंस दैट ऑल द कोचेस ऑफ मेल एंड एक्सप्रेस ट्रेन्स विल बी कन्वर्टेड इनटू लिंक हॉफमैन बश कोचेस इन द नेक्स्ट 3 ईयर्स। मतलब उसमें सेफ्टी प्रोसीजर जो गेट्स हैं उसमें चेंजेस किए जाएंगे। लोकसभा मिनिस्टर्स प्रोवाइड रिटन रिप्लाईज अबाउट गवर्नमेंट इनिशिएटिव ऑन प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना, रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन एंड अदर्स। सो प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, सो अराउंड 3 लाख केसेज इन हाईकोर्ट एंड ओवर 671,000 केसेज इन डिस्ट्रिक्ट एंड सबॉर्डिनेट कोर्ट्स आर पेंडिंग फॉर मोर देन 20 ईयर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला फैक्ट आप कई जगह मेंशन कर सकते हो। 3 लाख से ज्यादा केसेज हाईकोर्ट्स में और 670,000 से ज्यादा केसेज डिस्ट्रिक्ट और सबॉर्डिनेट कोर्ट्स में 20 साल से ज्यादा पेंडिंग है। दिस वॉज इन्फॉर्म्ड बाई लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर किरण रिजिजू इन अ रिटन रिप्लाई कोटिंग डाटा रिट्रीव्ड फ्रॉम द इंटीग्रेटेड केस मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम।
डिपेंडेंसी ऑफ द कोर्ट इज अ मल्टीफेसेटेड प्रॉब्लम और इंक्रीज इन द पॉपुलेशन अवेयरनेस ऑफ द राइट्स अमंग द पब्लिक फाइलिंग ऑफ द फ्रेश केसेस, ये आपका इसकी वजह से भी फाइलिंग मतलब कह लीजिए नंबर ऑफ केसेस बढ़े हैं, लोगों में जागरूकता बढ़ी है, उसके अकॉर्डिंगली जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर उतना नहीं बढ़ा है, डिस्पोजल ऑफ केसेस कम हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इसके अलावा 9000 से ज्यादा जन औषधि केंद्र हैव बीन ओपन्ड अक्रॉस द कंट्री अंडर प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। और इसके अलावा मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर केमिकल्स उन्होंने बताया कि गवर्नमेंट हैज सेट अ टारगेट फॉर टू एस्टैब्लिश 9300 प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना परियोजना के तहत ये इतने स्टोर्स खोले जाएंगे। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन हैज असर्टेड द इंट्रोडक्शन ऑफ रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर काफी ज्यादा डिस्प्यूट भी था, ओपोजिशन पार्टीज आर नॉट एग्री फॉर इट, दे आर सेइंग के इट इज मतलब इसके क्रॉस चेक्स एंड बैलेंसेस को इंश्योर करना बहुत मुश्किल है और इससे जो है दिक्कत आ सकती है, ठीक है। सो विल नॉट इंक्रीज द फेक वोट्स, तो प्रॉब्लम यहां पर उनका ये कहना है कि फेक वोट्स बढ़ेंगे ओपोजिशन का, बट इलेक्शन कमीशन का कहना है कि नहीं ऐसा नहीं होगा, प्रॉपर चेक्स एंड बैलेंसेज होंगे। प्रोटोटाइप आरबीएम इज अ रॉबस्ट स्टैंड अलोन सिस्टम। और किया क्यों जा रहा है ये मैंने पहले भी बताया था कि जो माइग्रेंट्स हैं, डोमेस्टिक माइग्रेंट्स हैं, जो आप जॉब कर रहे हैं या स्टूडेंट हैं कहीं दूर पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप इलेक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं इसकी वजह से, तो आप भी इससे वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा, ठीक है जी। सो गवर्नमेंट वांट्स टू सेट न्यू कोर्ट्स, विल इट बी डिसाइडेड बाय जुडिशरी और लेजिस्लेचर। देखिए जो नंबर ऑफ जजेस जो है वो पार्लियामेंट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ठीक है, और लोअर जुडिशरी, इट इज द एग्जीक्यूटिव डिसीजन टू इंक्रीज इट, ठीक है। और उसके लिए तो उससे ज्यादा और इम्पॉर्टेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा देना, ठीक है, दैट इज ऑल्सो देयर। अजितेश, FCI sells over 9 lakh tons of wheat in 2 days of e-auction. अब यहां पर देखो ये डाटा इंपॉर्टेंट नहीं है, 9 lakh ton यहां पर इंपॉर्टेंट है e-auction. So FCI has sold over 9 lakh tons of wheat in 2 days, has offered 22 lakh tons of wheat for e-auction from the central pool to the market through various routes under the open market sales scheme. तो मतलब बेसिकली जो वीट थोड़ा पुराना हो गया है उसको मार्केट में रिलीज कर दिया जाए इससे पहले कि वो खराब हो और वीट की अवेलेबिलिटी रहे मार्केट में और प्राइसेस ज्यादा ना बढ़े, प्राइसेस इंश्योर किए जा सके, ठीक है। सो दैट इज हाउ इट इज बीइंग रिलीज्ड। सो दिस वाज डन टू एड्रेस द राइजिंग प्राइसेस ऑफ वीट एंड आटा इन द कंट्री, ठीक है। मोर देन 1000 बिडर्स कम फॉरवर्ड पार्टिसिपेशन इन द फर्स्ट वीक, द सेल ऑफ वीट थ्रू ई ऑक्शन विल कंटिन्यू थ्रू आउट द कंट्री ऑन एवरी वेडनेसडे। नेक्स्ट है, प्राइम मिनिस्टर मोदी कॉन्ग्रेचुलेट्स पीपल ऑफ कर्नाटक महाराष्ट्र तेलंगाना फॉर पर्ली वैजनाथ विक्रमाबाद रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट अगेन। सो दिस इज टू इंश्योर कि हमारी कार्बन एमिशंस कम हो, ठीक है। सो इलेक्ट्रिफिकेशन किया गया है वैजनाथ विक्रमाबाद रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट, एंटायर रूट ऑफ 268 किलोमीटर इज नाउ इलेक्ट्रीफाइड। जय हिंद वंशिका। ओके, नेक्स्ट है, टोटल 264 कैपिटल एक्विजिशन कॉन्ट्रैक्ट साइंड फॉर procurement of defense equipment since financial year 2017-18, ऐसा कहा रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने। उन्होंने कहा कि लाइक 264 कैपिटल एक्विजिशन कॉन्ट्रैक्ट्स, अगेन आत्मनिर्भर भारत डिफेंस मेक इन इंडिया उसके तहत ये सारी की सारी चीजें की गई हैं। सो 88 कॉन्ट्रैक्ट्स अकाउंटिंग फॉर दिस परसेंट ऑफ टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू हैज बीन साइंड विद द वेंडर्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज इंक्लूडिंग दिस, ठीक है। मेजर इंपोर्टेड डिफेंस इक्विपमेंट हेलीकॉप्टर एयरक्राफ्ट रडार रॉकेट गन्स असॉल्ट राइफल्स मिसाइल एंड एम्यूनिशन और 1,93,000 करोड़ रुपीज ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर किया गया है फॉरेन प्रोक्योरमेंट ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट और लगभग 40,000 करोड़ रुपए कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर किया जाएगा फॉरेन प्रोक्योरमेंट ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट। और आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर जिसमें हमने पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट के बारे में कई बार पढ़ा है, मेजर पॉलिसी इनिशिएटिव फॉर बूस्टिंग इंडिजीनियस डिफेंस कैपेबिलिटी एंड रिडक्शन ऑफ रिलायंस ऑन इंपोर्ट्स। तो एनआरआई को फिजिकली प्रेजेंट नहीं होना पड़ेगा वोटिंग के लिए। हाँ शशांक, देखो एनआरआई से ज्यादा डोमेस्टिक, देखो एनआरआई भी हैं बट
डोमेस्टिक माइग्रेंट्स इज अ ह्यूज नंबर, ठीक है, कई भी आप देखेंगे 60% वोटिंग परसेंटेज भी मतलब अच्छा माना जाता है, ठीक है। तो बट वाय कई बार देखा गया कि बहुत सारे लोग जो हैं अपनी स्टेट से दूसरे राज्यों में काम कर रहे हैं और स्पेसिफिकली वोटिंग के लिए वो नहीं आते हैं, तो उनको कैसे इंश्योर किया जाए, कैसे इस नंबर को इंक्रीज किया जाए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है क्वाड सीनियर साइबर ग्रुप ऑफ ऑस्ट्रेलिया इंडिया जापान यूएस रीअफर्म्स कमिटमेंट टू एडवांस्ड फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक। मैंने आपको कई बार बोला है इंडो पैसिफिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब दिस इज द की वर्ड, ठीक है, आज के टाइम में, क्योंकि यूएस ये कहता है कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी का हिंज है, मतलब हमारी फॉरेन पॉलिसी आज के समय पर इंडो पैसिफिक के इर्द गिर्द घूम रही है, ठीक। तो उनकी फॉरेन पॉलिसी का केंद्र बिंदु है अब ये, तो अब ये आपको बिल्कुल, हमने तीन न्यूज इससे रिलेटेड ऑलरेडी पढ़ ली है, सोलोमन आइलैंड्स वाली, फिलीपींस वाली, एंड देन वी हैव डिस्कस्ड ऑल्सो अबाउट के किस तरीके से चाइना वहां पर जा रहा है, वहां पर स्पाइंग कर रहा है, ठीक है। ये चौथी न्यूज है उसी से रिलेटेड, ठीक। तो यहां पर आपका साइबर सिक्योरिटी को लेकर भी चारों देशों ने रीअफर्म किया है। ओके, सुप्रीम कोर्ट रिमूव्स इनसरमाउंटेबल ऑब्स्टेकल्स फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ एडवांस्ड मेडिकल डायरेक्टिव्स ऑफ टर्मिनली इल पेशेंट्स। सो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच सुप्रीम कोर्ट का, उन्होंने एक देखिए प्रॉब्लम जो जिसको हमने किस रूप में देखा था, हाँ जी, मर्सी किलिंग, ठीक है जी, मर्सी किलिंग कह लीजिए, और पैसिव यूथनेशिया। तो किस तरीके से जो ऑब्स्टेकल्स हैं उनको रिमूव किया जाए, सो फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एडवांस्ड मेडिकल डायरेक्टिव्स फॉर टर्मिनल पेशेंट्स हु आर बियॉन्ड केयर और होप टू विदड्रॉ मेडिकल ट्रीटमेंट एंड डाई विद डिग्निटी, ठीक है। तो मर्सी किलिंग कह सकते हैं आप, पैसिव यूथनेशिया कह सकते हैं, तो उसके लिए जो गाइडलाइन सेट की गई थी पहले वो काफी ज्यादा कह लीजिए टफ थी। अब धीरे धीरे अब ये एक सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि इन गाइडलाइंस को रिलैक्स किया जाए, ताकि जो व्यक्ति टर्मिनली इल पेशेंट हैं और जो सिर्फ और सिर्फ मतलब बियॉन्ड, मतलब अगर मेडिकल बोर्ड ये कहता है कि हाँ जी दे आर बियॉन्ड कैपेबल ऑफ रिपेयर, मतलब वो ठीक नहीं हो सकते हैं, उनकी वो उनकी तबीयत जो है ठीक नहीं हो सकती, तो उनको उनसे मेडिकल ट्रीटमेंट विड्रॉ कर ली जाए और वो सम्मानजनक तरीके से अपना जीवन समाप्त कर सकें। सो ट्रीटिंग डॉक्टर एंड द हॉस्पिटल केयरिंग फॉर द पेशेंट प्ले सेंट्रल रोल इन द कोर्ट ऑर्डर। फाइव मेंबर बेंच लेड बाय जस्टिस के एम जोसफ ब्रॉडली आउटलाइन द ऑर्डर, और इसमें सिंपली जो पहले जो ऑर्डर था 2018 की जजमेंट को रिलैक्स करने की बात की गई है। For one advanced medical directive, according to 2018 judgment, required not only the signature of two independent witnesses, but also had to be countersigned by the judicial magistrate. तो ये जो countersigned था judicial magistrate का, ये हटा दिया गया है। The court said it need to be signed by the executors, patient or independent witnesses in the presence of notary or gazetted officer. ठीक है, who would record his her satisfaction in the AMD was voluntary and executed without coercion. ठीक है, तो मतलब अब ये कहा गया है कि बस उसको ये लिखना रहेगा कि हाँ जी, मतलब एक इंडिपेंडेंट ऑफिसर के सामने, नोटरी या गेस्टेड ऑफिसर के सामने ये साइन होगा, और उसमें ये लिखा जाएगा कि ये वॉलेंट्री है और विदाउट कोअर्जन ये एग्जीक्यूट हो रहा है। दैट इज द पॉइंट यहां पर। ओके, नेक्स्ट है इकोनॉमी में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स कैन हेल्प इन वाइडनिंग द वुमेन्स लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन। तो इकोनॉमिक सर्वे 2023 ने वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए अलग से कह लीजिए बजट रखा है। विद 75% ऑफ द वुमेन वर्कर्स इन रूरल इंडिया एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर, देयर वाज अ नीड टू अपस्किल एंड क्रिएट एम्प्लॉयमेंट फॉर देम इन द रिलेटेड सेक्टर्स लाइक फूड प्रोसेसिंग। देखिए यहाँ पर आपका दो चीजें आती हैं, एक तो वुमेन एम्प्लॉयमेंट को कैसे बढ़ाया जाए ओवरऑल लेबर फोर्स में। देखिए लेबर फोर्स में हम क्या बात करते हैं कि दोज हु आर स्किल्ड एंड विलिंग टू डू द वर्क, ठीक है। और एक चीज एग्रीकल्चर में हम बात करते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की, ठीक है। तो किस तरीके से हमने देख रहे हैं कि 75% जो महिलाएं हैं, 75% महिलाएं हैं वो एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज में काम कर रहे हैं। तो एग्रीकल्चर में अगर काम कर रही हैं तो उनको
किस तरीके से अलाइड एक्टिविटीज में शिफ्ट किया जा सकता है, उनकी अपस्किलिंग की जा सकती है सो दैट दे कैन फाइंड द जॉब इन फूड प्रोसेसिंग सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। ठीक है, तो इसके बारे पे फोकस किया जाएगा। इफ पेशेंट इज नॉट एबल टू प्रोवाइड देयर विल हु विल, फैमिली, शशांक, ओके, फार्मिंग में डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मींस जितना रिक्वायर्ड है उससे ज्यादा है। सो द सर्वे सेड दैट द ट्रांसफॉर्मेटिव पोटेंशियल ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स has been exemplified by the key roles played by them. Self-help groups led from the front in producing masks, sanitizers and protective gear. Iske alawa, they also created awareness about the pandemic. For example, Patrakar Didis of Jharkhand delivered essential goods like floating supermarkets in Kerala, ran community kitchens like Prerna centers in Uttar Pradesh. Theek hai, to ye alag alag example de raha hai ki wo maine self-help groups ka kya kya kaam raha hai. Theek hai ji? तो पत्रकार दीदीज, तो ये हमारा क्या कहते हैं, राखी इस पत्रकार दीदी, ओके, सो दे हैव पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन वुमेन इकोनॉमिकली, सोशली, पॉलिटिकली, एम्पावरिंग देम थ्रू वेरियस पाथवेज, और उनको किस तरीके से फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाना है, सोशल नेटवर्क, एसेट ओनरशिप, और ये आपका सारी की सारी चीजें आप पेपर टू के लिए लिखने में आपको काफी मदद मिल सकती है। ठीक है जी, ये आपको मदद मिल सकती है पेपर टू के लिए भी। नेक्स्ट है, गवर्नमेंट डिसाइड्स टू सेल व्हीट फ्लोर आटा टू कंज्यूमर्स एट द रेट ऑफ 29.5 पर केजी। अभी अगर आप रेट देखेंगे, एनीबॉडी कैन टेल, आई थिंक अराउंड 45-50 रुपीस चल रहा है, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिटी। तो अब इसको 30 रुपए किलो बेचने की सरकार योजना बना रही है एट वेरियस रिटेल आउटलेट्स फ्रॉम द 6th ऑफ दिस मंथ। Wheat flour will be sold at the outlets of National Agriculture Cooperative Marketing Federation of India, National Cooperation Consumer Federation of India. Kendriya Bhandar has already started selling the product at this rate today. और इसके बारे में जानकारी दी गई। हाँ, मतलब 35 मिनिमम मेरे ख्याल से उतना भी नहीं है, उससे भी ज्यादा रेट अभी चल रहा है। ठीक है जी। स्पोर्ट्स में अमन सहरावत विंस ब्रॉन्ज मेडल। अंडर 23 वर्ल्ड चैंपियन अमन सहरावत ऑफ इंडिया वॉन अ ब्रॉन्ज मेडल इन मेंस 57 केजी ऑफ जाग्रेब ओपन रैंकिंग सीरीज इन क्रोशिया। क्रोशिया की कैपिटल है जाग्रेब। क्रोशिया कहां पर है कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखो। इंडियन रेसलर गॉट द बेटर ऑफ यूएसएस जेन राय रोड्स रिचर्ड्स और टू विन इंडियाज फर्स्ट मेडल एट दिस एडिशन। ठीक है, इंडिया का पहला मेडल जीता है इस पर्टिकुलर एडिशन में और he dominated the Richards in the second round. I tried my best. यूरोप में है, ठीक है जी, क्रोशिया। वर्ल्ड 2007 हीरो जोगिंदर शर्मा अनाउंसेस रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट। अभी हरियाणा में डीएसपी हैं और हु मेमोरेबली बोल्ड द लास्ट ओवर ऑफ 2020 वर्ल्ड कप। आई स्टिल रिमेंबर has called the time on his career to explore the new opportunities in the world of cricket and in the business side of it. चलिए, क्रोशिया ज्वाइंट ईयू रिसेंटली। नहीं नहीं नहीं, क्रोशिया ने ईयू का पहले ही पार्ट है। नहीं, क्रोशिया ने रिसेंटली यूरो को एक्सेप्ट किया है। आप पॉइंट सही कहा है, ईयू को नहीं, यूरो को एक्सेप्ट किया है। गुड, विशाखा ने एक पॉइंट दिया है, बाकियों के लिए भी प्लीज नोट कर लें। क्रोशिया ने रिसेंटली आपका ये क्रोशिया ने यूरो एक्सेप्ट करने की बात कही है। ठीक है, तो 20th कंट्री हो गया यूरो एक्सेप्ट करने वाला। ठीक है, तो वैसे ईयू में 27 कंट्रीज हैं, तो 7 देश ऐसे हैं जो यूरो एक्सेप्ट नहीं करते, उनकी अपनी करेंसी है। ओके, यस, आगे चलते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। नासा पार्टनर्स विद आईबीएम टू बिल्ड एआई फाउंडेशन मॉडल्स टू एडवांस क्लाइमेट साइंस। भाई साहब, आजकल एआई पे अलग लेवल पे बात चल रही है, चैट जीपीटी और पता नहीं क्या क्या। चलिए, नासा आईबीएम हैव कोलैबोरेटेड टू डेवलप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड मॉडल्स दैट विल मेक इट इजियर टू माइन वास्ट डाटा सेट्स कि किस तरीके से साइंटिफिक नॉलेज को एडवांस किया जाए अबाउट अर्थ एंड हेल्प द वर्ल्ड टू अडेप्ट टू द चेंजिंग एनवायरमेंट। जॉइंट वर्क विल अप्लाई एआई फाउंडेशन मॉडल टेक्नोलॉजी टू नासाज अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट डाटा फर्स्ट टाइम और फाउंडेशन मॉडल्स आर टाइप ऑफ एआई मॉडल। मतलब कुल मिला के किस तरीके से जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज किया जाए और किस तरीके से हमें अर्थ के बारे में नॉलेज मिल सके और हेल्प द वर्ल्ड टू अडेप्ट टू अ चेंजिंग एनवायरनमेंट। ठीक है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करना टू
टू कैटर फॉर ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज. ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आजकल जब भी मैं इंस्टा खोलता हूं तो मेरे पास वो बहुत सारी वीडियोस आती है, वो जो रील्स में 5 AI टूल 3 AI टूल जो आपकी जिंदगी बदल देंगे. तो वो मैं जब भी स्क्रॉल करता हूं तो देखता हूं कि ओके यस. नेक्स्ट है याया सो टू बी द लद्दाख्स फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट. सो याया सो वर्ल्ड बर्ड्स पैराडाइज फॉर इट्स ब्यूटिफुली लेक लोकेटेड एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ दिस मच मीटर्स अप्रोक्सीमेटली 15,000 की फीट की हाइट पर. ठीक है जी. Has been proposed as Ladakh's first biodiversity heritage site. और ये resolution sign किया गया है after multiple rounds of consultations between village stakeholders and secure Himalaya project, ताकि high altitude lake को protect किया जा सके by declaring it as heritage site. Secure Himalaya has also proposed to subsequently develop a management plan for the BHH. और secure Himalaya project आपको ध्यान में होना चाहिए, इस lake का नाम ध्यान में होना चाहिए. The proposed Yaya So site will be basically T silent rata isme will have an approximate area of 60 square kilometers. It can include lakes watershed, adding Yaya So among the most beautiful lakes in Ladakh. Secure Himalaya project ke baare mein dekh lete hain. Acha isme habitat hai for large number of birds and animals. The bar headed goose, black necked crane, theek hai ji. और ये जो सिक्योर हिमालय है, सिक्योरिंग लाइवलीहुड्स, कंजर्वेशन, सस्टेनेबल यूज एंड रीस्टोरेशन ऑफ हाई रेंज हिमालय इकोसिस्टम. ठीक है, देखो निमोनिक्स बनाने में सरकार बहुत अच्छी है, तो यहाँ पर एक बड़ा अच्छा निमोनिक है. सो हिमालय प्रोजेक्ट वॉज लॉन्च बाय इंडियन गवर्नमेंट टू इंश्योर कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज, लैंड और बायोडाइवर्सिटी को इन द हिमालयाज. ठीक है, तो इन सारी चीजों को प्रोटेक्ट करना. और बेस्ट एग्जाम्पल आप अभी उत्तराखंड का ले सकते हैं, जोशीमठ का. It is very important to protect the Himalayas, otherwise it can be very much disastrous. The project was launched in the background of increasing habitat degradation, fragmentation of area, high dependence of the local communities on natural resources. और इसमें कौन कौन से कह लीजिए states and UTs cover होती हैं? उत्तराखंड, सिक्किम, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश. ठीक है जी. वांगचू जी लद्दाख की न्यूज भी समझा. एक्चुअली उसमें यही चीज को लेकर वो प्रोटेस्ट पे हैं कि लद्दाख में आपको इको सेंसिटिव जोन है, उसको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, और उसके प्रोटेस्ट में वो बैठे हुए हैं. ठीक है, तो उसमें उसके बाद उनको हाउस अरेस्ट भी किया गया है. अपॉइंटमेंट्स में फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह कॉन्फर्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर इन यूके. पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनको रिसेंटली लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर दिया जाएगा इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स इन लंडन फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लाइफ. इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर बाय NISEU इन पार्टनरशिप विद ब्रिटिश काउंसिल इन इंडिया, यूके डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड. उन्होंने सेलिब्रेट द अचीवमेंट्स ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स जो कि ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज में पढ़े हैं. एंड द लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर इज अ नॉट टू डॉक्टर मनमोहन सिंह's academic achievement at the University of Oxford and Cambridge. To mark the 75 years of India's independence, the first ever India-UK Achievers Honours covered 75 high achievers and some key outstanding achievers जिन्होंने कह लीजिए India-UK diaspora को आगे लेकर गए हैं. इसके अलावा British Indian Peace Lord Karan Villimora, उनको award मिलेगा. Opposition Labour Party MP Virendra Sharma and among the outstanding achiever honored included Bollywood actor Parineeti Chopra, Aam Aadmi Party spokesperson. ठीक है, ये भी उसमें रहने वाले हैं. चलिए, डिफेंस में इंडियन आर्मी ऑर्गेनाइजेस इंटीग्रेटेड एक्सरसाइज इन नॉर्थ बंगाल. जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज त्रिशक्री प्रहार वॉज कंडक्टेड इन नॉर्थ बंगाल फ्रॉम 21st January टू 31st January, एमिंग एट Synergizing the firepower asset of Indian Armed Forces and CAPF. So, ये important है Indian Army और CAPF के बीच में, Indian Armed Forces और CAPF के बीच में एक exercise हुई है. ठीक है, तो ये generally आपको कम देखने को मिलती है. The aim of the exercise is to practice battle preparedness of the security forces using latest weapons or equipments.
जिसमें आर्मी नेवी एयरफोर्स आर्मी एयरफोर्स एंड सीएपीएफ, इसमें ये डेली लाइफ एक्सरसाइज ऐड हो जाते हैं सिलेबस में डिफेंस की। यस नेक्स्ट है अवार्ड्स में KLF बुक अवार्ड्स 2022 विनर्स टू बी फेलिसिटेटेड एट एनुअल फेस्टिवल इन भुवनेश्वर, कलिंगा लिटरेरी फेस्टिवल। ठीक है, कलिंग, हाँ जी कलिंग किसका नाम है भाई, एरिया का उड़ीसा। कलिंग लिटरेरी फेस्टिवल हैज अनाउंस्ड KLF बुक अवार्ड्स वेरियस कैटेगरीज में, नॉन फिक्शन, फिक्शन, पोइट्री, हिंदी ट्रांसलेशन, भाषा फर्स्ट बुक, बिजनेस, इन सब कैटेगरीज में दिया जाता है। यहाँ पर आपको किलिंग लिटरेरी फेस्टिवल, किलिंग इज ऑब्वियसली द उड़ीसा। ठीक है, तो ये नॉन फिक्शन बुक्स में, ये बुक्स आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बट यू शुड नो के एक आपका किलिंग लिटरेरी फेस्टिवल है। यस ओके, सो यहाँ पर आज का सेशन कंप्लीट होता है। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने अपनी बजट स्पीच में एक 5 साल का रिसर्च ग्रांट दिया है IITs को कि वो लैब ग्रोन डायमंड्स पर फोकस करें, लैब ग्रोन डायमंड्स। ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था बजट वाले सेशन में कि लैब ग्रोन डायमंड्स क्या हैं, जिसमें कि लैब में प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर चेंजेस से ग्रेफाइट को डायमंड में कन्वर्ट किया जाएगा या कार्बन की एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा। ठीक है, तो ये कहा जाता है कि आपको देखने में बिल्कुल नहीं पता लगेगा कि ये नेचुरल है या लैब ग्रोन डायमंड है। ठीक है जी, ओके 31 न्यूज हमने आज कवर कर ली हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपके पेशेंस के लिए। हिल द किंग, चार्ल्स III वोंट अपियर ऑन न्यू ऑस्ट्रेलियन बैंक नोट्स। ठीक है जी, सप्ताह धीरे धीरे जा रही है, सूरज डूब रहा है। ठीक है, यूके का सूरज जो देखो एक समय 1860 से 1910 का गोल्डन पीरियड कहा जाता है यूके का, अब धीरे धीरे वो खत्म होता जा रहा है। ओके, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड डिक्लेयर्ड बोबी ओल्डेस्ट डॉग एट 30 इयर्स 266 डेज ऑफ एज। ठीक है जी, सो मीट बोबी द ओल्डेस्ट, चलिए उम्रदराज डॉग। Hero of the day, remembering the Indian braves who laid down their lives in avalanche at Siachen Glacier on 3rd of Feb 2016. Siachen में या कह लीजिए इवन अरुणाचल प्रदेश में भी इस तरीके के avalanche हम देखते आए हैं और उसमें हमारे कई सारे जवान शहीद होते आए हैं। Quiz time. NSA Ajit Doval and US counterpart Jake Sullivan formally launched the US-India initiative on critical energy and technology in which country? In not in which country, in which city? ठीक है चलिए, it is the Washington DC, बहुत not समग्र शिक्षा अभियान कैंपेन किस सरकार ने किया है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़। फैक्ट्स ऐड करके 34 न्यूज हो गई, बट उस तरीके से सेशन जो है शेयर नहीं हो रहा है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये शेयर हो, एक घंटे में 31-32 न्यूज, जहां पर एनालिसिस था वहां पर एनालिसिस भी हमने डिस्कस किया है। आई स्टार्टेड 6 मिनट्स लेट ऑल्सो, 54 मिनट्स में, सो आई थिंक ओके, सो आंसर इज यर समग्र शिक्षा अभियान। भाई साहब ये कैसे आंसर गलत कर दिया आप? ठीक है, नहीं जी, ये समग्र शिक्षा अभियान इज यर, यूपी। ठीक है, वो जो आप कह रहे हो वो बहन वाला था। ठीक है, यस, एमपी में लाडली बहन योजना था। यस ठीक है, आप लोगों के आंसर से मैं भी कंफ्यूज हो गया। मैंने कहा 68% मध्य प्रदेश दिया, नहीं उत्तर प्रदेश आंसर। ठीक है, थर्ड एडिशन ऑफ एनुअल ऑरेंज फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच सिटी। ठीक है, आप लोगों ने मेरे को भी कंफ्यूज कर दिया। सो ये कहां पर हुआ, महाराष्ट्र, आसाम, नागालैंड, पंजाब?
देखो पंजाब में भी ऑरेंज तो नहीं, संतरा तो नहीं, एक कीनू होता है, अबोहर अगर एक जगह है, ठीक है, सदरन पंजाब में, फिरोजपुर वाली साइड में, ठीक है, कीनू बहुत होता है, पूरे बाग के बाग हैं कीनू के। एनीबडी फ्रॉम दैट एरिया, गंगानगर वाला कौन था, ठीक है, गंगानगर वाला पार्टी कौन है, गंगानगर वाली पार्टी को पता होगा। चलो कीनू इज सिस्टर ऑफ ऑरेंज, ठीक है जी, जिनको नहीं पता है। अच्छा तमन्ना है, हाँ गंगानगर वाले, हाँ जी हाँ जी, सिस्टर ऑफ ऑरेंज, मतलब समझने के लिए। वॉक्सिन यूनिवर्सिटी लॉन्च प्रोजेक्ट एक्सप्लोरेशन फॉर गर्ल्स इन विच स्टेट अंडर ट्रेन द ट्रेनर, तमिल, केरल, तेलंगाना, कर्नाटका। अच्छा मौसम्मी क्या है फिर, तो मौसम्मी मासी है, ठीक है, मासी मौसी माँ जैसी। यस आंसर इज योर तेलंगाना। फिफ्थ खेलो इंडिया यूथ गेम्स टू बी ऑल इन विच स्टेट, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब। अब कईयों को ये समझना पड़ेगा कि अनुज का स्टेट कौन सा है, ठीक है। चलिए आंसर है आपका मध्य प्रदेश। हाईलाइटिंग इंडिजिनियस वेपन सिस्टम एक्सरसाइज तोपची कहां पर हुआ, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान। चालीस व्यूअर और 34 लाइक, बहुत ना इंसाफी है, ठीक है, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन दैट सेशन शुड बी शेयर्ड ताकि बाकी बच्चे भी इसका फायदा उठा सकें। चलिए बिल्कुल बराबर की टक्कर चल रही थी, महाराष्ट्र इज आंसर। बहुत बहुत धन्यवाद, आज का सेशन यहाँ पर कंप्लीट होता है। ज्योग्राफी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, पॉलिटी का बैच ऑलरेडी चल रहा है, 15 फरवरी से आपका एक क्रैश कोर्स शुरू होने जा रहा है, ठीक है जी, क्रैश कोर्स शुरू होने जा रहा है, जिसको कि जिन्होंने अभी तक तैयारी नहीं की है 16 अप्रैल के लिए, वो तैयारी कैसे कर सकते हैं 2 महीने में, वो हम करेंगे उस पर्टिकुलर कोर्स में। स्वागत है, जो भी क्रैश कोर्स करना चाहता है वो मेरे से कांटेक्ट भी कर सकता है, ठीक है जी, किसी भी कोई तरीके का कोई डाउट है उसमें हम कवर करेंगे और कोशिश करेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर करें और बहुत ही एग्जाम स्पेसिफिक चीज़ों को पढ़ें, ठीक है, इधर उधर की चीज़ें नहीं पढ़ेंगे, कोशिश करेंगे कि हमारा जो स्कोर है जीएस का वो मैक्सिमाइज हो। हाँ जी बहुत बहुत धन्यवाद, एंड ये है टीम निष्ठा ऐप और पीडीएफ मैं आपका शेयर कर लूंगा GS/संदीप बंसल पर, अगर कोई जुड़ा नहीं हुआ है उस पर जुड़ जाए, ठीक है, उस पर आपका पीडीएफ शेयर हो जाएगा, फेसबुक, इंस्टा, जीमेल पे आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। दिस इज
मी संदीप बंसल साइनिंग ऑफ. थैंक यू सो मच. हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए. अभी आपका 10 मिनट के अंदर अंदर दो टेस्ट और लाइव हो जाएंगे और उस टेस्ट को कर लीजिए. हाँ जी ठीक है. टेस्ट है, इंग्लिश की क्लास है. देखो इंग्लिश की क्लास के लिए आप डायरेक्टली एक बार सर को टैग कर दिया करो. आप सर तो डिस्कशन ग्रुप में हैं, ठीक है. एंड ठीक है जी, ठीक है. वीकली बेसिस पे मैं टेस्ट रख लिया करूँगा करंट अफेयर का, प्रेशर बनाने के लिए. प्रेशर बंद तो रहा नहीं है, रोज दो टेस्ट हो रहे हैं. मैथ्स का तो मैं सोच रहा हूँ कि कोर्स जो है अब आपको 1000 रुपीज में अवेलेबल करा दूँ. कई बच्चे कह रहे हैं बड़ा मुश्किल लगता है, बड़ा मुश्किल लगता है. तो कम से कम देख तो लो, पढ़ तो लो. डर लगता है, मुश्किल है, बोल बोल के तो सही होगा नहीं, प्रैक्टिस ही सही होगा. तो प्रैक्टिस कर लो उसकी, ठीक है. ठीक है, ओके. चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू. होगा गणेश, ठीक है. विल ब्रिंग दैट आल्सो, ठीक है. किस चीज का टेस्ट है? वंशिका ने पहले भी पूछा था, ठीक है. आई वॉज हार्ट ब्रोकन इन द मॉर्निंग आफ्टर सीइंग योर एक्सीलेंट परफॉर्मेंस इन मैथमेटिक्स, ठीक है. मैथ्स और रीजनिंग में जो आप लोगों की परफॉर्मेंस और पार्टिसिपेशन को देखकर, सो आई एट फॉर अ मोमेंट आई डिसाइडेड टू क्लोज द टेस्ट सीरीज, रिटर्न द मनी टू एवरी स्टूडेंट. बट देन आई थॉट कुछ स्टूडेंट सीरियस हैं, दे शुड नॉट फील के डिसहार्टेंड, एंड फॉर देम द टेस्ट सीरीज विल कॉन्टिन्यू. टेस्ट होगा आपका इंग्लिश और मैथ्स का कल. कल आपका टेस्ट होगा फिजिक्स का एक टेस्ट होगा और एक केमिस्ट्री का टेस्ट होगा. थोड़ा सा साइंस भी पढ़ लिया जाए आपका, इसमें भी पूछा जाता है एफकैट में भी. तो फिजिक्स और केमिस्ट्री का एक टेस्ट होगा, ठीक है जी. टाइम कम पड़ रहा है, शाबाश, बहुत अच्छे. सर आपकी ये फोटो ऑफ CAPF हेडक्वार्टर्स की है या फिर पोस्टिंग एरिया की? ये बटालियन हेडक्वार्टर की है, अफसर मैस के बाहर खड़ा हूं मैं, ठीक है. चलिए धन्यवाद आप.